What's happening guys, this is Electra। तो last episode में finally इस monster से बचने के बाद मैं आ गया था इस elevator में और आज हम देखने वाले कि ये मुझे कहाँ पे लेके जाता है। Let's go। ओके गाइस, तो ये एलिवेटर मुझे एक और जगह पर लेकर आ चुका है और ये जगह काफी ज्यादा बड़ी है। सामने मेरे एक डोर है जो मुझे पता है कैसे खोलना, बट गाइस उससे पहले ये देखो, पिछले सारे मॉन्स्टर्स कम पड़ गए थे तो यहाँ पे एक और मॉन्स्टर ऐड हो चुका है और इसका नाम है क्वीन बाउंसिलिया। और ये कह रही है जंप एज मच एज यू लाइक बट नेवर टू कंक्लूजंस। ओके, द नॉटी वन सेज फिनिश योर होमवर्क एंड बी नाइस इफ यू डोंट वांट टू जॉइन अस। ओके गाइस, तो इसकी पॉकेट में मैं कुछ आंखें देख पा रहा हूँ और शायद से इसके बच्चे हैं, और अगर मैंने कुछ गड़बड़ करी तो शायद से इनको मेरे पीछे छोड़ देगी। बट टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और गाइस ये देखो, यहाँ पे लिखा है टू ओपीला बर्ड, और अगर आप लोगों को याद है तो फर्स्ट एपिसोड में मैंने ओपीला बर्ड को नीचे गिरा के मार दिया था, बट अभी मैं इससे मिलने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिलहाल गाइस सामने मुझे एक इंटरेस्टिंग सी चीज दिखाई दे रही है। भाई साहब, इसको देख के लग रहा है ये कोई स्पेसशिप टाइप वगैरह। एक सेकंड, क्या यहाँ पे कोई अनाउंसमेंट होने वाली है? ओ तेरी भाई, ये वही बंदा है जिसने मुझे मार के मेरे कार्ड्स वगैरह छीन लिए थे, वो रेड वाला मॉन्स्टर। एक सेकंड गाइस, मैं पहले इसकी बातें सुन लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ ये बोलना क्या चाह रहा है। ओके गाइस, तो अभी ये मुझे वापस से सॉरी बोल रहा है क्योंकि इसने मुझे मारा था। वैसे इसने मुझे पहले भी सॉरी बोला था। ओके, तो गाइस इसके साथ कुछ प्रॉब्लम है। ये ना मतलब किसी भी टाइम किसी को भी अटैक कर देता है और इसीलिए इसने अपने आप को एक सर्वेलेंस रूम में बंद कर दिया ताकि ये वापस मुझ पर अटैक ना कर पाए। We are currently on the lowest floor to remain active. Okay, तो अभी हम बिल्कुल लोएस्ट फ्लोर पे हैं जो एक्टिव है। मतलब इसके नीचे और भी फ्लोर्स है बट वो सब बंद है। गाइस ये तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रेंज हो चुका है। ओके गाइस, तो अभी इसने मेन बात बोली है, मैं आपको बताता हूँ इसने क्या बोला है। तो गाइस ये बंदा कह रहा है कि इसको ये तो नहीं पता कि तुम्हारे बच्चे कहाँ पर है, बट उसको ये पता है कि ये सब करा किसने है। और साथ में इसने ये भी बोला है कि वो बंदा मुझे एक्वेटिक सेक्टर में मिलेगा, लेकिन उससे पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा कि आखिरकार मैं कहाँ पर हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन कियोस्क है, हो सकता है मुझे यहाँ से कुछ पता चल जाए। एक तो यार यहाँ पे इतने सदी पुराने कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, ऊपर से वो भी बंद है। एक सेकंड, यहाँ पे कुछ लेटर वगैरह रखा हुआ है। आई ऑलवेज न्यू आई वॉज अनलकी। भाई मैं नहीं पढ़ रहा इसको, इतना लंबा लेटर कौन पढ़ेगा। और यहाँ पे एक बैटरी रखी हुई थी जो भी मैंने उठा लिया है। ओके गाइस, तो मुझे अभी पता चला है मैं अपना ड्रोन कंट्रोल नहीं कर सकता, मुझे उसके लिए एक और बैटरी चाहिए होगी और शायद से वो मुझे ऊपर मिल जाएगी। वैसे गाइस अभी तक मैं जितने भी फ्लोर्स पर गया हूँ ये वाला फ्लोर सबसे ज्यादा बड़ा है। गाइस बाकी सारी चीजें तो ठीक है, बट इन चेयर्स पे बैठता कौन है? मुझे तो नहीं लग रहा है मॉन्स्टर वगैरह इस पे फिट आते होंगे, और कोई दूसरा इंसान मुझे अभी तक दिखाई भी नहीं दिया, ना ही वो बच्चा जिसको मैं ढूंढने आया हूँ और ना ही कोई और। फिलहाल गाइस मैं यहाँ से अपना ड्रोन कस्टमाइज करवा सकता हूँ और उसके ऊपर काउबॉय हैट मुझे बहुत ज्यादा क्यूट लगती है। ओके, तो मुझे यहाँ से एक बैटरी भी मिल चुकी है जिससे मैं अपना ड्रोन कंट्रोल कर सकता हूँ, और एक बार इसको टेस्ट करके देखते हैं यहाँ पे। लेट्स गो गाइस, फाइनली ये फंक्शनल हो चुका है और अभी भाई बहुत ज्यादा सही लग रहा है क्योंकि ड्रोन के बिना मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगता है। अभी चलते हैं गाइस सामने उस एरिया को समझने के लिए क्योंकि अभी तक मैं वहां पे गया नहीं हूं। ओके गाइस, तो ये एक मैप है जिसके अकॉर्डिंग अभी मैं ग्राउंड सेक्टर पे हूं, और ऐसे यहां पे चार सेक्टर है और उस मॉन्स्टर के अकॉर्डिंग अभी मुझे जाना है एक्वेटिक सेक्टर पे जहां पे मुझे मेरा बच्चा मिलेगा। और शायद से मुझे इस चीज को यूज करना पड़ेगा क्योंकि सामने वहां पे दूर मुझे एक चीज दिखाई दे रही है और हो सकता है ये चीज मुझे वहां तक लेके जाए। वैसे गाइस यहां पे चार सेक्टर है तो शायद से राइट और लेफ्ट में भी कोई ना कोई जगह होगी, बट शायद से इसको मैं अभी एक्टिवेट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास कार्ड नहीं है। और गाइस ऊपर यहाँ पे चार कार्ड लगाने की और जगह है, इसका मतलब मैं सही था, यहाँ और यहाँ पर कोई ना कोई जगह तो पक्का होगी। और गाइस मेरे ख्याल से इस जगह का कार्ड लेने के लिए मुझे जाना होगा सामने इस ग्रीन वाले डोर में, और मुझे पता है इसको कैसे ओपन करना है। लेट्स गो भाई, बहुत टाइम बाद मैं गार्डन ऑफ बैन बैन खेल रहा हूँ और अभी मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है। लेट्स गो गाइस, फाइनली मैंने ये वाला बटन भी दबा दिया है और ये गेट खुल चुका है। भाई साहब ये एरिया कितना ज्यादा बड़ा है। एक सेकंड, शायद से यहाँ पे वापस से कुछ अनाउंसमेंट होने वाली है। ओके गाइस, तो इसने भी मुझे वही चीज बोली है कि वो लिफ्ट ऑपरेट करने के लिए मुझे एक कार्ड चाहिए होगा और शायद से वो मुझे यहाँ पे मिल सकता है। वैसे गाइस कार्ड वगैरह तो ठीक है, बट यहाँ पे जमीन पे किसी ने ड्राइंग बनाई हुई है और इसको देख के लग रहा है ये किसी बच्चे ने बनाया है। वैसे गाइस यहाँ पे और भी ड्राइंग्स है, और ये है वो स्नेल भाई जो बहुत ज्यादा स्पीड में चलता है। लास्ट एपिसोड में इसने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। फिलहाल गाइस सामने चलते हैं। अभी मैं ना इन सब मॉन्स्टर के नाम याद करने वाला हूँ क्योंकि इनको सिर्फ मॉन्स्टर मॉन्स्टर करके बुलाना काफी ज्यादा अजीब है। तो गाइस इस मॉन्स्टर का नाम है नेबना लीना। ओके, तो ये काफी ज्यादा अजीब दिख रही है और ये मेंढक मुझे अभी तक कहीं पे भी नहीं दिखाई दिया। इसका नाम है शेरिफ टॉडस्टर। ओके, और इस अजीब से ऑक्टोपस का नाम है स्टिंगर फ्लिन। और गाइस ये है वो रेड वाला मॉन्स्टर जिसने हमें मार के हमारे कार्ड छीन लिए थे और इसका नाम है बैन बैन। ये मैं याद रखूंगा, बार बार इसकी अनाउंसमेंट होती है तो मैं इसका नाम ही भूल जाता हूँ। ओके, तो इस व्हाइट वाली मॉन्स्टर का नाम है बैन बलीना। ये दोनों दिखने में भी सेम और इनके नाम भी ऑलमोस्ट सेम ही है। फिलहाल गाइस ये है न्यू मॉन्स्टर क्वीन बाउंसिलिया और हो सकता है ये आज हमें मिल जाए। ओके गाइस, तो इसके जैसे दिखने वाले दो मॉन्स्टर्स है, उसका नाम था नेबना लीना और ये है नेब नेब। ठीक है भाई, काफी ज्यादा नाम याद हो गए। फिलहाल अभी मैं देखता हूं मुझे यहां पे करना क्या है। नोटिस टू जेनिटर्स, क्लीनर चेक्स आर रिक्वायर्ड बिफोर एंड ऑफ शिफ्ट्स, ओडीटीज आर टू बी ड्रॉप्ड इनटू मार्क्ड होल।
ओके गाइस, तो मैं समझ गया मुझे क्या करना है। जो ये नीचे क्रियॉन्स वगैरह पड़े हुए हैं वो सब उठा के मुझे इसके अंदर डालना है और उसके बदले मुझे यहाँ से एक कार्ड मिलेगा जिससे शायद से मैं वो लिफ्ट कंट्रोल कर पाऊंगा। लेट्स गो। तो ज्यादा देरी नहीं करते, सारे के सारे क्रियॉन्स मैं उठा लेता हूँ। एक क्रियॉन मैंने यहाँ से उठा लिया और गाइस किसी बच्चे ने यहाँ पे नैब नैब की एक पेंटिंग बनाई है जिसमें ये रो रहा है। वैसे गाइस अगर इन बच्चों के हाथ में क्रियॉन्स है तो यहाँ पे कहीं हेल्प वगैरह क्यों नहीं लिख देते। एक क्रियॉन यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक क्रियॉन ये रहा। ओके गाइस, तो मैंने सारे के सारे क्रियॉन्स उठा लिया और यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर वॉज हेयर। ओके, तो यहाँ पर एक लास्ट क्रियॉन पड़ा हुआ था, वो भी मैंने उठा लिया। अब जल्दी से जाते हैं, सारे के सारे क्रियॉन्स अंदर डाल देते हैं और यहाँ पे एक कार्ड है। लेट्स गो गाइस, शायद से मैं वो कार्ड यहाँ पे लगा सकता हूँ, बट उससे पहले मैं सारे के सारे क्रियॉन्स जो मैंने कलेक्ट करे हैं उसको यहाँ पे डाल देता हूँ। और भाई ये बहुत ज्यादा स्लो है, कब तक डालूं एक एक करके, बहुत सारे क्रियॉन्स पड़े हुए मेरे पास। फाइनली सारे के सारे क्रियॉन्स मैंने इसके अंदर डाल दिया और अब येलो कार्ड यहाँ पे लगा के देखते हैं। अ क्लीनर हैज बीन डिस्पैच्ड, प्लीज। ओ भाई ये क्या सीन था। ओके गाइस, तो शायद से ये यहाँ पे चेक कर रहा है कि मैंने सब कुछ अच्छे से यहाँ पे साफ करा है या फिर नहीं, बट इसमें से ऐसी आवाज क्यों आ रही है, ये बहुत ज्यादा अजीब है। भाई साहब, भाई ये झटके से जब निकला तो मैं अचानक से डर गया, पता नहीं मेरे को लगा कोई आ रहा है जिसकी सांसों की आवाज आ रही थी। फिलहाल अभी वो वहां पे जा चुका है और क्या हुआ। ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पे हर चीज एकदम अच्छे से साफ कर दी थी और शायद से अब मुझे वो कार्ड मिल जाना चाहिए। लेट्स गो गाइस, यहाँ पे वो कार्ड पड़ा हुआ है, इसको उठा लेते हैं और फाइनली अब जाके मैं वो लिफ्ट कंट्रोल कर सकता हूँ। भाई यहाँ पे शिट शिट शिट, भाई मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। अभी मैंने यहाँ पे किसी मॉन्स्टर को देखा है और शायद से वो नैब नैब था। ओ भाई साहब ये क्या सीन था, वो बंदा अचानक से वहां से निकला और मैं डर गया काफी ज्यादा, लेकिन कोई बात नहीं, फिलहाल मुझे एक कार्ड मिला है। ओके, तो फाइनली मैंने यहाँ पे लगा दिया और अभी चलते इसके अंदर। क्या मुझे ऊपर भी कुछ दबाना पड़ेगा। वैसे गाइस ये मैप यूजलेस है, इसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि मैं ग्राउंड सेक्टर पे हूँ, बट कोई रास्ता नहीं है जिससे मुझे पता चले कि एक्वेटिक सेक्टर है कहाँ पे। फिलहाल अभी सामने चल के देख, क्योंकि अभी मुझे सिर्फ सामने कुछ लाइट वगैरह दिख रही है और ऑलमोस्ट मैं वहाँ पे पहुंचने भी वाला हूँ। भाई ये लिफ्ट काफी ज्यादा फास्ट चल रही है। वैसे गाइस लेफ्ट में मुझे अभी कुछ नजर आ रहा है और शायद से राइट में भी ऐसी कोई जगह है, लेकिन कोई बात नहीं, फिलहाल अभी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। ओके गाइस, तो फाइनली मैं आ चुका हूँ सामने वाली जगह पर और ये है प्रोग्रेसिव सेक्टर। वैसे गाइस मुझे जाना तो एक्वेटिक सेक्टर था, फिलहाल यहाँ पे एक हेड पड़ी हुई है, इसको मैंने कलेक्ट कर लिया, पता नहीं क्या होगा, बट कोई बात नहीं, एक बार यहाँ पे जाके देखते हैं। येलो कार्ड तो मेरे पे पड़ा हुआ था और इसको मैं अप्लाई नहीं कर सकता, इसका मतलब गाइस शायद से ना मुझे पहले एक्वेटिक सेक्टर ही जाना पड़ेगा, तभी जाके मैं बाकी सारी चीजें भी एक्सप्लोर कर सकता हूँ। सामने से तो मैं आया हूँ, एक काम करता हूँ पहले इस जगह पे जाके देखते हैं। ओ भाई साहब ये लिफ्ट कितनी ज्यादा अमेजिंग है यार, पीछे से मेरा ड्रोन भी बहुत ज्यादा स्लो पड़ गया है, ये लिफ्ट काफी ज्यादा फास्ट है। गाइस मैं तो बहुत ज्यादा स्पीड में आ गया, सामने मुझे एक और जगह दिखाई दे रही है और शायद से वो एक्वेटिक सेक्टर है जहाँ पे मुझे जाना है। ओके ओके ओके, तो ये जगह भाई और ज्यादा डेंजरस सी लग रही है मुझे दूर से ही, बस मैं ऑलमोस्ट पहुंच ही चुका हूँ वहाँ पे। ओके गाइस, तो फाइनली मैं आ चुका हूँ इस वाली जगह पर भी और ये मेडिकल सेक्टर है। भाई मुझे एक्वेटिक सेक्टर जाना है, ये लिफ्ट बहुत ज्यादा बकवास है। एक सेकंड, यहाँ पे कुछ नोट पड़ा हुआ है, इसको भी नहीं पढ़ूंगा भाई, इतने बड़े बड़े नोट कौन पढ़ेगा। वैसे गाइस है तो मेरे पास एक पिंक कार्ड भी, बट वो भी यहाँ पे नहीं लगने वाला, शायद से यहाँ पे ब्लू कार्ड लगाना है, पिंक तो यहाँ पे सिर्फ वॉलपेपर है। लेट्स गो गाइस, अब बारी है सामने वाली जगह पर जाने की और अब मुझे लग रहा है कि फाइनली वो एक्वेटिक सेक्टर होगा और ये भी भाई बहुत ज्यादा डेंजरस सा लग रहा है मुझे। ओके गाइस, तो मैं ऑलमोस्ट वहां पे पहुंच चुका हूँ, इस लिफ्ट ने मुझे एक सेकंड में वहां पे पहुंचा दिया है और ये जगह काफी ज्यादा अजीब है। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पर भी आ चुका हूँ और ये है एक्वेटिक सेक्टर जहाँ पे मुझे आना था। सामने भाई इतना ज्यादा बड़ा डोर। येलो ग्लास इज अ ब्रेकेबल मटेरियल। भाई साहब यहाँ पर आके तो मुझे बहुत ज्यादा छोटा लग रहा है, ऐसा लग रहा है किसी ने मुझे छोटा कर दिया है। ओके गाइस, तो यहाँ पे तीन डोर्स है और तीनों के अंदर अलग अलग मॉन्स्टर्स है और इस वाले डोर के अंदर है स्टिंगर फ्लेन और शायद से मुझे यहीं पे जाना है, लेकिन इसका मेरे पास कार्ड नहीं है। वैसे गाइस मैं इन दोनों डोर्स में भी नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे कोई लॉक ही नहीं है, तो मैं इसको खोलूंगा कैसे। बट यहाँ पर एक लॉक लगा हुआ है और येलो कार्ड मेरे पास पहले से पड़ा हुआ था और वो मैंने यहाँ पे लगा दिया। लेट्स गो, अभी ये गेट खुलेगा। भाई एक तो गेट का साइज इतना ज्यादा बड़ा है। ओके मैं अंदर तो आ चुका हूँ। भाई यहाँ पे सामने कुछ ये स्पीकर टाइप है, एक बारी बटन दबा के देखते हैं। यू हैव नो ऑडियो डिस्क टू प्ले। ओके गाइस, तो शायद से मुझे इसमें कोई ऑडियो डिस्क लाके लगानी है जो कि मेरे पास अभी नहीं है। फिलहाल यहाँ पे भाई और भी सारी चीजें पड़ी हुई है। नहीं गाइस, यहाँ पे सारी की सारी टेबल्स खाली पड़ी हुई है। मुझे लगा था यहाँ पे मुझे वो डिस्क मिल सकती है, बट यहाँ पर तो नहीं है, सिवाय इस नोट के मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। मेरे ख्याल से गाइस सबसे पहले मुझे इसी वाले डोर में जाना पड़ेगा और इसके लिए मुझे एक ऑरेंज कार्ड चाहिए जो शायद से मुझे यहाँ से मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्रॉस बने हुए हैं और इसका कुछ ना कुछ मतलब तो पक्का होगा। ओके गाइस, तो मुझे इस रूम के अंदर जाना है, वहां से मुझे शायद से कुछ मिल सकता है, बट मैं वहां पे नहीं जा सकता, बट मेरा ड्रोन वहां पे जरूर जा सकता है क्योंकि यहाँ पे इतनी जगह तो है कि मेरा ड्रोन चला जाए। और यहाँ पे जो साइंस है शायद से इसका मतलब यही है कि मैं अपना ड्रोन इन पे टारगेट करूं। ओके, तो एक साइन यहाँ पर भी है, बट मैं इसको डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकता, शायद से मुझे इस साइड से करना पड़ेगा, बट यार वो काफी ज्यादा दूर है। ओके ओके ओके, तो मैंने इसको वहां पे टारगेट कर दिया है और अभी ये ड्रोन अंदर जा रहा है। लेट्स गो, ये फाइनली वहां पे पहुंच चुका है और अब मुझे इसको टारगेट करना है इस वाली जगह पे, तो ये शीशा यहां से तोड़ के निकल जाएगा। लेट्स गो गाइस, काफी ज्यादा दिमाग लगाना पड़ा, वैसे काफी नहीं थोड़ा बहुत ही, बट जो भी अपना काम हो गया, अभी ये ग्लास यहां से गायब होंगे तब मैं अंदर जाऊंगा।
ओके तो यहाँ पे भाई डायरेक्ट एंट्री कोई नहीं है, यहाँ पे गेट तो है बट वो लॉक्ड है। और गाइस फाइनली मुझे यहाँ से एक कार्ड मिल चुका है। इतनी सिंपल चीज थी भाई, तब से इतना ज्यादा दिमाग लगा रहा था मैं। लेट्स गो, अभी चलते हैं सामने वाले डोर में। और मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि अंदर जाके मुझे शायद से स्टिंगर फिन मिल सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। अभी मैंने एक कार्ड यहाँ पे लगा दिया है और भाई ये इतना बड़ा डोर खुल चुका है। गाइज मुझे लगा था कि हम लास्ट फ्लोर पर है बट इसके नीचे जाने की भी जगह है। पता नहीं गाइज ये किंडरगार्टन कितना ज्यादा अंडरग्राउंड बना हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, फिलहाल अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो मुझे नीचे जाना पड़ेगा। और फाइनली शायद से मैं अपनी जगह पर पहुंच चुका हूं। ओके ओ तेरी भाई, मेरे सामने स्टिंगर फ्लिन है। गाइज मुझे लगा था ये मेरे साइज का होगा बट ये तो बहुत ज्यादा ह्यूज है। वो सब छोड़ो गाइस, फिलहाल इसके हाथ देखो ये कितने ज्यादा बड़े हैं। ओके तो शायद से ये सो रहा है और मैं यहाँ पे बिल्कुल भी आवाज नहीं करने वाला, पता चल रहा है उठ के इसने मेरे एक हाथ मारा और मैं खत्म। वैसे गाइस मुझे जाना भी सामने की तरफ ही है, बस ये बीच में उठ ना जाए भाई, बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो जाएगा। और भाई इसके हाथ का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। ओके गाइस तो सामने वो जो डोर दिखाई दे रहा है मुझे वहीं पे जाना है। वैसे इसके लिए तो मैं चींटी जैसा हूं ना, अगर मैं इसके हाथ पे चढ़ूंगा तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ये तो काफी ज्यादा सही है। वैसे इसके हाथ पे चलने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है और भाई ये बहुत ज्यादा बड़ा है। भाई मैं नीचे उतर जाता हूँ, पता चल रहा है उठ ही गया और सच में मर गया मैं। ओके गाइस तो अभी मुझे इसके नीचे से होके जाना पड़ेगा। और ये चीज क्या है? ओ भाई साहब ये तो काफी तगड़ा ग्लो कर रहा है, शायद से इसका हर्ट वगैरह है। वैसे इतना नीचे तो हर्ट होगा नहीं बट वो छोड़ो, अभी मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी आवाज नहीं करनी है। ओ भाई मुझे लगा ये उठ गया। अबे भाई मैं निकल क्यों नहीं पा रहा यहाँ से? ओके यहाँ से निकलना पड़ेगा भाई साहब, ये तो काफी ज्यादा डेंजरस है। अभी ये सो रहा है तब इतना दिमाग खराब हो रहा है मेरा, जब ये उठ जाएगा तब मैं क्या करूंगा भाई। यहाँ पे इसका वापस से आता है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको पता नहीं चल रहा मैं इसके हाथ पे चढ़ रहा हूँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके गाइस तो अभी तक मैं इसके पीछे खड़ा हुआ था, लेकिन अब मैं आ चुका हूँ इसके फेस के सामने और इसका फेस बहुत ज्यादा डरावना है। ऐसा लग रहा है कि भाई इसके ऊपर किसी ने अटैक करा हुआ है। कम्युनिकेशन कियोस्क, पता नहीं यार क्या मतलब है इसका, छोड़ो मैं तो यहाँ से निकल रहा हूँ भाई, मुझे उसको उठाना नहीं है। और यहाँ पे मेरा गेट आ चुका है। अबे भाई यहाँ पे कार्ड चाहिए, मेरे पास कार्ड नहीं है। ओके तो मेरे पास कार्ड नहीं है, अभी वो मुझे कहाँ से मिलेगा? अब ये मत कहना कि मुझे वापस से पीछे जाके कोई कार्ड वगैरह लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसके नीचे से वापस नहीं निकलना चाहता। शायद से गाइस मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करना है। ओके 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 तो यहाँ पे एक ऑरेंज कलर का कार्ड था जो मैंने लगा दिया है। और ये कैसी आवाजें हो रही है? ओ तेरी भाई, मैंने इसको उठा दिया, सॉरी यार मैं तेरे को उठाना नहीं चाहता था। और ये मेरे को घूर क्यों रहा है? ओ तेरी इसकी आवाज कितनी ज्यादा डेंजरस है यार, ये मुझसे बातें कर रहा है भाई, मुझे यकीन नहीं हो रहा स्टिंगर फ्लिन मुझसे बातें कर रहा है। ओ भाई तू धमकी दे रहा है या फिर मुझे एडवाइस दे रहा है, समझ नहीं आ रहा। ठीक है समझ गया, बट अभी क्या करना है? एक सेकेंड, ये इसने मुझे अपने वश में कर लिया क्या? ओ भाई मुझे घर जाना है। ओ भाई ये मैं किस जगह पर आ गया? और ये तो वही मॉन्स्टर है जो वहां पे हमें दिखा था। गाइज ये तो मैं किसी बीच पर आ चुका हूँ और सामने मेरे स्टिंगर फ्लिन है, और अभी ये थोड़ा सा नॉर्मल साइज में मुझे लग रहा है। वैसे गाइज यहाँ पर कुछ और लोग भी बैठे हुए हैं जो आराम से चिल कर रहे हैं, एक बार जाके पहले इनसे मिलकर आते हैं, बाद में स्टिंगर फ्लिन से मिलूंगा। ओ भाई साहब ये तो वही बंदे जो क्लासरूम में मेरे साथ बैठे हुए थे। ओके अभी उसने मेरे को देख लिया है और वापस से बात करें स्टार्ट कर दिया। भाग के चलते भाई इसके पास, मुझे ना इसको बिल्कुल भी शक नहीं होने देना है कि मैं इससे डर रहा हूँ, वरना क्या पता मार ही डाले। अभी मेरे से नॉर्मली बात कर रहा है तो इससे प्यार से बात ही कर लेते हैं। ओ भाई ये तो कुछ अलग ही है, जैसा मैं इसको समझता था ना ये वैसा नहीं है। ओके गाइस तो इसका पास्ट थोड़ा सा अच्छा नहीं रहा है, ये परेशान रहता था। ओ भाई अब मुझे समझ आ रहा है क्या सीन चल रहा है। रुक जाओ पहले मुझे इसकी बातें सुनने दो, फिर मैं आपको बताता हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। That way you won't lose both your life and the chances of your child. ये बंदा भाई मतलब थोड़ा सा ना अजीब ही है, वैसे तो यहाँ पे सब अजीब है बट ये थोड़ा सा ज्यादा ही अजीब है। मैं आपको बताता हूँ क्या सीन चल रहा है। एक सेकेंड, अभी तो मैं उस जगह पर आ चुका हूँ जहाँ पे मैंने वो कैनन वाला मिशन करा था। उत्तरी भाई ये कितना ज्यादा डेंजरस लग रहा है। अबे ये मेरे को खाना चाहता है क्या? वैसे भी इसकी जीभ इतनी ज्यादा बाहर निकल रही है। गाइस मैं इस पे पता नहीं भरोसा करूं या फिर ना करूं, अभी ये दिखने में काफी ज्यादा डेंजरस लग रहा है और पता नहीं ये मेरे पे अटैक भी कर देगा, बट अभी देखने वाली बात ये है कि मैं हूं कहां पर। ओके मैं वापस से उसी जगह पर उठ चुका हूं और एक सेकेंड, क्या मैं स्टिंगर फ्लिन बन चुका हूं? ओ भाई साहब गाइस मैं स्टिंगर फ्लिन बन गया, ये तो काफी ज्यादा कूल है यार। उत्तरी मेरे पास कुछ एबिलिटी है क्या? अबे ये तो बहुत मस्त है भाई, मेरे पास एक सुपर जंप की एबिलिटी है। भाई स्टिंगर फ्लिन बन के तो काफी ज्यादा कूल लग रहा है, मेरे पास एक बहुत मस्त सुपर जंप की एबिलिटी है, बट वो सब तो ठीक है लेकिन मुझे करना क्या है? गाइस जब मैं यहाँ पे लास्ट टाइम आया था तो मैंने ये गेम खेला था, शायद से मुझे वापस यही गेम खेलना है। एक बार इसको स्टार्ट करके देखते हैं। ओके तो मुझे इसके लिए कार्ड चाहिए होगा बट वो कार्ड मुझे मिलेगा कहाँ से? नीचे चल के देखते हैं, शायद से मुझे कोई और टास्क करना पड़ेगा जिससे मुझे कार्ड मिलेगा। और सामने अबे
ये तो सामने ही पड़ा हुआ है भाई, ये तो काफी ज्यादा इजीली मुझे मिल गया है। लेट्स गो, वापस से गेम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अभी मुझे क्या करना है। वैसे यहाँ पे रॉकेट्स भी पड़े हुए हैं बट मैं इनको यूज नहीं कर सकता। ओके, गेम स्टार्ट हो चुका है। शायद से मुझे कुछ ना कुछ तो, एक सेकेंड, क्या मुझे अपनी वो इलेक्ट्रिक वाली एबिलिटी यूज करनी है? ओ तेरी, ये तो काफी ज्यादा सही है यार। ओके, वापस से ये वाला बटन एक्टिवेट हो चुका है। तेरी तो भाई, ये बहुत ज्यादा मजा आ रहा है मेरे को। काश यार ये वाली एबिलिटी मेरे पास नॉर्मली भी होती तो मैं सारे मॉन्स्टर्स को एक झटके में मार देता। ले तेरी तो। ओके गाइस, फर्स्ट राउंड मैंने क्लियर कर दिया और शायद से यहाँ पे टोटल 2 या 3 राउंड होंगे, मुझे अच्छे से याद नहीं है, बट जो भी है मजा बहुत ज्यादा आ रहा है। एक बार वापस इसको स्टार्ट करते हैं, शायद से मुझे इसको खुद ही स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, 3, 2, 1, गेम स्टार्ट हो चुका है और अभी मुझे ध्यान देना पड़ेगा एक बारी। ओके ओके ओके, कहाँ पर है, कहाँ पर है, कहाँ पर है, वो वाला है। लेट्स गो, थोड़ा सा मेरे को ऊपर मारना पड़ेगा ताकि ये एकदम सही जगह पे गिरे। भाई मैं इसकी फिजिक्स एक झटके में सीख गया। ओके गाइस, तो सेकंड राउंड भी मैंने बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर कर दिया है और अब शायद से थर्ड राउंड की बारी है। लेट्स गो, इसको वापस से स्टार्ट करते हैं, शायद से लास्ट राउंड होने वाला है। अबे कहां पर है? ओ तेरी भाई, नीचे वाले बटन भी एक्टिवेट हो रहे हैं। तेरी तुल्ली। Let's go guys, finally मैंने ये वाला राउंड भी क्लियर कर दिया है और वो गेट खुल चुका है। अभी चलते हैं ऊपर। अबे मैं सीढ़ी से क्यों जा रहा हूँ? मुझे जाना है इसके ऊपर, फिर यहाँ से जाना है इसके ऊपर। कैनन हट जा। तेरी तो भाई, बहुत ज्यादा सही लग रहा है। मतलब एबिलिटीज मिल जाती है तो यार काफी ज्यादा मजा आता है। अभी मैं क्या करूं? वैसे सामने एक लॉक तो, एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं। लेट्स गो। कुछ हुआ नहीं यार, कुछ हुआ नहीं। शायद से वहां पर जो गेट था वो खुल गया होगा। वैसे यार मुझे इतना ज्यादा घूम के वापस से उस किंडरगार्टन में जाना पड़ेगा, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी मेरे पास टिंकर फिन की पावर्स है और ये काफी ज्यादा कूल है। भाई मैं इतनी लंबी जंप इससे पहले कभी नहीं मार पाया था। और यहाँ पे गेट खुल चुका है, मैं सही था, बट यहाँ पे लास्ट टाइम स्नेल भी था। ओ तेरी, ये तो अभी भी है भाई। ओ भाई साहब, इसने डरा दिया मुझे। यू आर न्यू भाई, मैं तुम में से एक हूँ। दे आर कमिंग, कौन आ रहा है? और तुझसे ओ भाई, एक झटके में भाग गई। लेकिन इसने बोला कोई आ रहा है। एक सेकंड गाइस, ये वापस से अंधेरा हो गया। भाई ये तो कुछ अजीब ही चल रहा है, मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है। और अभी मैं कहां पर आ गया? ओके, तो ये कोई जेल है। ओ भाई, ये शेरिफ टोडस्टर की जेल है। ओके गाइस, तो मैं वापस से अपने नॉर्मल अवतार में आ चुका हूँ और ये है टोडस्टर जेल, द प्लेस ऑल क्रिमिनल्स टेम्बल व्हेन दे हियर अबाउट। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। और एक छोटी सी अनाउंसमेंट की, मैं सोच रहा हूँ हम सब मिलकर एक गेम खेले और वो वीडियो मैं चैनल पर अपलोड करूंगा। बट गाइस कौन सा गेम खेलना है वो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बताओ। और गार्डन ऑफ बैन बैन का ये वाला टास्क हम करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और शायद से अब मैं फाइनली उस बच्चे के पास जा रहा हूँ जिसको स्टार्टिंग से हम ढूंढने आए हैं, लेकिन वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और जाकर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू सून।